गाइस यहाँ पे बात करने वाला हूं मैं आज उस स्टॉक की जो आज लगभग 5% के आसपास की जबरदस्त तेजी दिखाया है। ये स्टॉक वो है दोस्तों जो पिछले काफी समय से आप कह सकते हैं गिरावट का शिकार हो रहा है। ये स्टॉक पिछले काफी समय से दोस्तों एक लगातार एक बड़ी गिरावट दिखा रहा है। निवेशक ऊपरी स्तरों में बहुत बहुत बुरी कदर फंसे हुए हैं। मैंने बहुत समय से इसमें आप कह लीजिए जब मैंने वीडियो बनाया था ये मैंने कहा था कि बहुत अच्छा लेवल है लेने का, वहां से स्टॉक बहुत तेज भागा। मैंने कहा था प्लीज स्टॉक से एग्जिट हो जाइए क्योंकि ये मुझे ओवर वैल्यूड लग रहा है। अचानक से शूट अप हुआ था और उसके बाद उस वीडियो में बहुत डिसलाइक आए थे। उसके बाद से स्टॉक में जो गिरावट हुई है ये स्टॉक बहुत बड़े बड़े सपोर्ट को अपने तोड़ते हुए सीधा नीचे आके रुका और आज वापस से उसमें 5% की गिरावट तेजी है। दोस्तों कौन सा स्टॉक है, क्यों मुझे ये बहुत रीजनेबल लगता है इन वैल्यूएशंस में जिसमें अभी ट्रेड कर रहा है दोस्तों ये पिछले काफी समय से, प्लीज वीडियो को अंत तक देखिएगा। काफी इंफॉर्मेटिव एजुकेटिव वीडियो है दोस्तों। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें, वीडियो अच्छी लगती है वो लाइक जरूर कीजिएगा। और अब विदाउट वेस्ट टाइम सीधा लेके चलता हूं शेयर प्राइस की तरफ। देखिए 4.90% ठीक है, 4.90% की आप देखिए यहां पे तेजी हो रही है। ठीक है 4.90% की यहां पे तेजी हो रही है। और बात करूं मैं स्टॉक की तो पिछले आप देखिए एक साल में ये स्टॉक ऊपरी स्तरों से दोस्तों आप देखिए कितना भयंकर, आप देखिए तो ये लगभग 60% के आसपास ज्यादा टूट चुका है दोस्तों। ठीक है मोर देन 60% के आसपास ये स्टॉक टूट चुका है अपने ऊपरी स्तरों से। और आप देखें तो इस स्टॉक की जर्नी बड़ी वो रही है आप कह सकते हैं अप एंड डाउन की। ये एक चला फिर एक गजब किसने तेजी दिखाई, ये गया फिर यहां से तेजी, उसके बाद से जो उसने गिरावट एक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी शुरू की ये रुकने का नाम नहीं ले रही। आप इधर देखें ये डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी, क्योंकि ये जो लेवल थे दोस्तों कहते ना कि वैल्युएशन, ठीक है वैल्युएशन इतनी ज्यादा हाई हो गई थी दोस्तों कि स्टॉक में इतनी भयंकर गिरावट आना लाजमी था। और ये गिरावट तो हुई साथ में बाजार में आप कह सकते हैं एक बड़ी गिरावट शुरू हुई। तो बाजार की गिरावट में वो स्टॉक जो बहुत बहुत हाई वैल्यूएशन से रहते हैं उसमें बड़ी गिरावट होती है और इंडिया मार्ट उसमें से भी एक था। प्लस आप देख रहे होंगे कि वैल्यूएशन के वाइज हाई था ही है दोस्तों, प्लस जो इंटरनेट जो रिलेटेड स्टॉक्स थे उनमें बहुत गिरावट हुई। तो यानी करेला ऊपर से नीम चढ़ा ये हाल इंडिया मार्ट में हुआ और एक भयंकर गिरावट आपको देखने को मिली। लेकिन जिन स्तरों पर अब ये स्टॉक आया दोस्तों फॉर इन्वेस्टमेंट की बाइंग के लिए ना ये बहुत ही ज्यादा आप कह सकते हैं अच्छा लेवल था दोस्तों। ठीक है बहुत बहुत अच्छा लेवल था, लगभग 60% की थी गिरावट का, ठीक है 60% गिरावट के बाद लेकिन फॉर अ लॉन्गर टर्म। ठीक है और अब देखिए जब इसमें गिरावट हुई, आप देखिए जब स्टॉक में गिरावट हुई इसने आप देखिए स्टॉक ने लगभग 3800 से लेकर के 3700 क्योंकि अगर इसका 52 वीक आप देखेंगे ना लो तो 3600 के आसपास आता है दोस्तों, कितना 3600 के आसपास। और ये स्टॉक इन स्तरों पे ना बहुत अच्छा था दोस्तों, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा फॉर अ लॉन्गर टर्म। मुझे ये स्टॉक बहुत ज्यादा पसंद था क्योंकि देखिए जिस तरह से ना इसने अपने आप को डेवलप किया है ना, इसने पिछले काफी समय से बड़े बड़े एक्विजिशंस किए हैं, जिस तरह से इकोनॉमी खुल रही है अब लगातार बिजनेस के बढ़ेंगे, मुझे लगता है इन वैल्यूएशंस के लिए इंडिया मार्ट बहुत शानदार वैल्यूएशन में था लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में। ठीक है और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं दोस्तों, अगर जब ये है दोस्तों इंटरनेट स्टॉक्स के ऊपर कुछ एक चर्चा चल रही है उनमें जो बात कही गई है वो काफी पॉजिटिव है। आप देखें इधर देखिए Zomato Info एंड इंडिया मार्ट इंटरमेश शेयर हैव नॉट हैड अ प्लेजेंट 2022 सो फार। ठीक है सबको पता है हमें कि 2022 इंटरनेट कंपनीज के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं रहा जिसमें से एक इंडिया मार्ट भी था। इंडियन इंटरनेट कंपनीज प्लमेटेड सीवियरली अलॉन्ग विद ग्लोबल प्लेयर्स एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड देन द फॉल वॉज एक्सेबरेटेड बाय अदर हेडविंड्स दैट टुक ग्लोबल मार्केट डाउन। देखिए मैंने कहा ना कि प्रॉब्लम तो शुरू में गिरावट हुई प्लस जो ग्लोबल बाजार है इंटरनेट स्टॉक्स उनमें भी गिरावट हुई तो ये गिरावट कह लीजिए दुगनी हो गई। ठीक है हाउएवर एनालिस्ट एडलवाइस बिलीव इंटरनेट कंपनीज विल रिपोर्ट रोबस्ट रेवेन्यू ग्रोथ ऑन बैक ऑफ स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो कैश कलेक्शंस। देखिए एडलवाइस का कहना है कि भाई हाँ मानता हूं चीजें खराब थी लेकिन अब आने वाला समय इनके लिए बहुत बहुत अच्छा होने वाला है। ठीक है आप देखिए इंडिया मार्ट इज डाउन 41%, एनालिस्ट बिलीव द करेक्शन इन दिस स्टॉक हैव नाउ मेड वैल्यूएशन अट्रैक्टिव। ठीक है एडलवाइस का मानना है कि ये जो गिरावट है ये वैल्यूएशंस को बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव कर दी है।
The stocks have corrected 50-70% from 52-week highs on the back of valuation re-rating and valuations are now attractive along a strong growth outlook. अब क्या है दोस्तों कि जो valuations हैं वो बहुत अच्छे हैं और जो attractive हो जाएं जो valuation की attraction है वो बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, ठीक है। और यही कारण है कि Edelweiss का मानना है कि इन स्तरों पर स्टॉक में निवेश करना सही हो सकता है। आगे अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे दैट फॉर इंडिया मार्ट पेइंग सब्सक्राइबर एडिशन ऑफ 9000, जो सब्सक्राइबर एडिशन हुआ पेइंग का वो 9000 रहा है और एवरेज रेवेन्यू पर यूजर इनके फ्लैट रहे हैं। और प्लस जो 22 का एक्विजिशन रहा है दोस्तों, जो इंडिया मार्ट है उन्होंने 22 एक कह लीजिए एक कंपनी उसका एक्विजिशन किया है, उनके जो इसमें ग्रोथ है वो बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। आप देखिए अगर आगे बात करूं, इंडिया मार्ट विल लुक टू लेवरेज इट्स बीसी इंफोटेक एक्विजिशन फॉर क्रिएटिंग क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटी फॉर एसएमईज। जो ये बीसी इंफोटेक इन्होंने खरीदारी की है दोस्तों, इससे क्या होगा ना, जो क्रॉस सेलिंग अपॉर्चुनिटीज है स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की वो बहुत ज्यादा अच्छी होगी दोस्तों, ठीक है। यानी देखिए इंडिया मार्ट ने आने वाले समय में इन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में बने रहने के लिए बहुत स्ट्रेटेजिकली बहुत ही अच्छी मैं कहूंगा खरीदारियां की हैं इन्होंने दोस्तों, ठीक है। वैल्यूएशंस रीजनेबल आफ्टर करेक्शन। देखिए मैं आपको बताऊं, इंडिया मार्ट कंटिन्यू टू बी डोमिनेंट प्लेयर इन बी टू बी बिजनेस यानी दोस्तों बिजनेस टू बिजनेस सेगमेंट में ना, बी टू बी सेगमेंट में आज भी इंडिया मार्ट और आने वाले समय में ये एक डोमिनेंट प्लेयर आपको देखने को मिलेगा। एंड पेड सप्लायर्स एडिशन इज एक्सपेक्टेड टू रिमेन स्ट्रॉन्ग, और जिसके पेड सप्लायर है दोस्तों वो अभी भी स्ट्रॉन्ग रहेंगे और आने वाले समय में जिसकी ग्रोथ की ट्रैजेक्टरी है ये हमेशा और लगातार बढ़ाते रहेंगे दोस्तों। मुझे पर्सनली इंडिया मार्ट दोस्तों बहुत बहुत ज्यादा पसंद है और आज की ये तेजी मुझे लगता है एक कह लीजिए टेक्निकल बाउंस भी है दोस्तों। क्यों? देखिए आप देख रहे हो ना ये बाजार के साथ चल रहा है, बाजार में गिरावट होती है तो बाजार के साथ गिरता है, बाजार में कुछ अच्छी तेजी होती है तो ये वापस से तेज भागने लगता है। तो इन स्तरों पर भी कोई बहुत बड़े निवेश करने से बचिएगा, लेकिन हाँ मैं कहूंगा इन स्तरों पे लॉन्ग टर्म निवेशक है एक नई इन्वेस्टमेंट आप जरूर कर सकते हैं, और अगर नहीं भी करना है तो एटलीस्ट आपके वॉच लिस्ट में जरूर होनी चाहिए ताकि अगर वापस से किसी भी हाल में 3600-3500 में आती है, यकीन मानिए फॉर अ लॉन्गर टर्म ये स्टॉक बहुत बहुत अच्छे वैल्यूएशन में आपको रिटर्न दे सकता है। लेकिन याद रखिएगा हाई बीटा स्टॉक है ये, ऊपर बहुत तेजी से जाता है नीचे बहुत जल्दी आता है, तो यदि आप इतनी वॉलेटिलिटी बर्दाश्त कर सकते हैं तभी इसमें इन्वेस्ट कीजिएगा, अन्यथा अगर आप एक कह सकते हैं डिफेंसिव प्लेयर हैं तो प्लीज स्टॉक से दूर रहिए। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पहली बार है सब्सक्राइब कीजिएगा, यहाँ तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस वीडियो का अंत है, जय हिंद दोस्तों।